Hello, my name is Mini Setty. Today I will describe what Williamson model of managerial discretion. अब इसमें विलियमसन क्या बताते हैं? विलियमसन बेसिकली इसमें ये बताते हैं कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होती है. मीन्स बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग होने का मतलब क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी को चलाने वाला अलग होता है जो कि मैनेजर होता है, और उस कंपनी में फंड लगाने वाले, कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, वो अलग होते हैं. मीन्स बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होती है. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होता है वो क्या चाहता है कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो, ठीक है, रेदर देन गिविंग प्रॉफिट टू शेयर होल्डर. वो क्या चाहता है मैनेजर ये चाहता है कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो. वो अपना स्वार्थ देखता है, वो अपना इंटरेस्ट देखता है. मींस मैनेजमेंट ये चाहता है कि उसकी जॉब सिक्योरिटी हो, उसको अदर बेनिफिट मिले, उसकी सैलरी अच्छी हो, उसका प्रेस्टीज हाई हो. मैनेजमेंट ये सब चाहता है, ठीक है. उसका इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कमाने में ज्यादा नहीं होता, बल्कि अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने में होता है. ओके, अब क्या है, इसके बीच में प्रॉब्लम क्या आती है? मैनेजमेंट तो चाहता है कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो और वो उसी में लगा रहेगा, लेकिन इसके बीच में कंस्ट्रेन आता है, जिसे प्रॉफिट कंस्ट्रेन बोलते हैं. एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या आती है, मैनेजमेंट को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयर होल्डर को देना ही पड़ता है. क्यों? शेयर होल्डर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया, उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया, अगर उनको अपने इन्वेस्टमेंट के बदले में मिनिमम रिटर्न भी नहीं मिलेगा तो शेयर होल्डर क्या है, कंपनी के ओनर है, वो कंपनी के मेजर डिसीजन ले सकते हैं. वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट को रिप्लेस कर देंगे. वो बोलेंगे कि ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी नहीं दे सकता, तो ऐसे मैनेजमेंट को हमें क्या करना, इस मैनेजमेंट को रिप्लेस करो, कोई और मैनेजर लाओ. तो मैनेजमेंट को अपनी जॉब को भी बचाना है, उसे अपनी जॉब को भी सिक्योर करना है, इसलिए उसे अपनी यूटिलिटी को इस तरह से मैक्सिमाइज करना है, इस तरह से बढ़ाना है ताकि वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो भी अर्न कर सके और शेयर होल्डर्स को दे सके. आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. मैनेजमेंट का इंटरेस्ट अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए होता है, लेकिन उसको साथ के साथ ओनर को जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देना उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा. मींस मैनेजमेंट अपनी प्रॉफिट को इस तरह से, अपनी यूटिलिटी को इस तरह से मैक्सिमाइज करेगा कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो भी वो शेयर होल्डर्स को दे सके. ओके, तो ये थ्योरी की मेन हेडलाइन है, ठीक है, इसी पे सारी थ्योरी बेस्ड है. अब इस थ्योरी में मैंने अभी तक जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उसमें मैंने दो चीजों की बात की. मैनेजमेंट अपनी यूटिलिटी को इस तरह से मैक्सिमाइज करता है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी शेयर होल्डर्स को दे सके. ओके, तो इसमें यूटिलिटी और प्रॉफिट दो मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिनके बारे में पहले मैं थोड़ा डिस्कस करूंगी, थोड़ा बताऊंगी. ओके, उसके बाद इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे. ओके, तो पहले हम यूटिलिटी की बात कर सकते हैं, फिर हम प्रॉफिट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे. अब हम यहाँ पर यूटिलिटी किसकी है, मैनेजर की यूटिलिटी है. जो मैनेजर की यूटिलिटी है वो बेसिकली किसका फंक्शन है, जो मैनेजर की यूटिलिटी है वो बेसिकली फंक्शन है SMID. अभी मैं सारा बताती हूँ. UM रिप्रेजेंट करता है यूटिलिटी ऑफ मैनेजर. UM का क्या मतलब है, यूटिलिटी ऑफ मैनेजर. मैनेजर यूटिलिटी फंक्शन है SMID का. यहाँ पे S क्या है, स्टाफ एक्सपेंडिचर. S क्या है, स्टाफ एक्सपेंडिचर, ठीक है. और M की बात करें, M क्या होता है, मैनेजमेंट अमोल्यूमेंट, ठीक है. मैं सबके बारे में पहले लिख देती हूँ, फिर थोड़ा बता दूंगी, ठीक है. UM क्या है, यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. ओके, S क्या है, स्टाफ एक्सपेंडिचर. ओके, M क्या है, मैनेजमेंट अमोल्यूमेंट. अभी मैं बताती हूँ सबके बारे में. ID क्या है, डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट. इसे डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट भी बोलते हैं, डिस्क्रिशनरी फंड भी बोलते हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी. ओके, तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट की यूटिलिटी का क्या फंक्शन है, SMID. ये मैनेजमेंट यूटिलिटी फंक्शन है, जिसमें S क्या, स्टाफ एक्सपेंडिचर. स्टाफ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जो मैनेजमेंट के अंडर जो स्टाफ काम करता है उनकी सैलरी, ठीक है. मैनेजमेंट क्या करेगा, अपने अंडर स्टाफ को बढ़ाना जाएगा, उसके अंदर स्टाफ इफेक्टिव होगा, ट्रेन स्टाफ होगा, ज्यादा स्टाफ होगा, तो मैनेजमेंट की यूटिलिटी इसमें क्या होगी, हायर होगी, ठीक है. स्टाफ एक्सपेंडिचर मीन दोज पीपल आर वर्किंग अंडर मैनेजमेंट, उनकी जो सैलरीज है उनको पे करना. उसके बाद मैनेजमेंट अमोल्यूमेंट की बात करें, जो कंपनी मैनेजमेंट को अदर बेनिफिट देती है, जैसे कंपनी मैनेजमेंट को एक लग्जरी ऑफिस देगी, कार देगी, या जो अदर बेनिफिट देती है वो क्या है, मैनेजमेंट अमोल्यूमेंट. ये
ये भी मैनेजमेंट को मिलेंगे तो इससे भी मैनेजमेंट की यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी। उसके बाद डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट, इसे हम डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट भी बोलते हैं, डिस्क्रिशनरी फंड भी बोलते हैं। ये वो अमाउंट होता है, ध्यान से सुनना, ये डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट, डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट, डिस्क्रिशनरी फंड, ये वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद प्लस टैक्स देने के बाद मैनेजमेंट के बाद बचता है। ठीक है, क्या होता है वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद, डिविडेंड मीन्स उन्हें मिनिमम प्रॉफिट देने के बाद, मैंने अभी बात की थी ना मैनेजमेंट को ओनर को मिनिमम प्रॉफिट देना पड़ता है, शेयर होल्डर को मिनिमम प्रॉफिट देना पड़ता है। ठीक है, डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट वो वो अमाउंट होता है जो मैनेजमेंट के पास बचता है क्या कहते हैं डिविडेंड देने के बाद और टैक्स पे करने के बाद, जो अमाउंट मैनेजमेंट के पास बच जाता है उसे डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट, डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट या डिस्क्रिशनरी फंड बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिशनरी फंड क्या बोलते हैं, ये एक ऐसा फंड होता है जिससे मैनेजमेंट इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट कर सकता है, इसलिए इसको डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ये ऐसा फंड होता है जिससे मैनेजमेंट इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो कुछ एडवांस इन्वेस्टमेंट करे या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जो मैनेजमेंट को अच्छे लगते हैं, मैनेजमेंट के हार्ट के बड़े क्लोज है, अब उन पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। मीन्स जो ये फंड बचता है ना डिविडेंड देने के बाद और टैक्स पे करने के बाद, इस फंड को मैनेजमेंट अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट कर सकता है, करेगा तो कंपनी के बेनिफिट के लिए लेकिन इंडिपेंडेंटली कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, जहां भी जिस प्रोजेक्ट में उसको अच्छा लगता है। ओके, तो ये भी क्या करता है, एक तरह से मैनेजमेंट की यूटिलिटी को बढ़ाता है। इसलिए मैनेजमेंट की यूटिलिटी फंक्शन है किसका, एस एम और आई डी का। एस यहाँ पे स्टाफ एक्सपेंडिचर, एम ये जो मैनेजमेंट एमोल्यूमेंट है, उसके बाद आई डी के बारे में भी हमने बात की है। ओके, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रॉफिट कॉन्सेप्ट के बारे में। ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट था, अब हम थोड़ा प्रॉफिट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, प्रॉफिट कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपके आएंगे एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, आर माइनस सी माइनस, ये भी मैं बताती हूँ। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट को मैंने पाई ए से रिप्रेजेंट किया है, एक्चुअल प्रॉफिट को पाई ए से रिप्रेजेंट किया है, और आर क्या आपका रिवेन्यू, सी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, और एस है आपका स्टाफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब अगर आपने रिवेन्यू में से आर क्या है आपका रिवेन्यू जो है कंपनी की इनकम है, सी क्या है कॉस्ट, एस क्या है स्टाफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर आप अपने रिवेन्यू में से जो कंपनी की टोटल इनकम है उसमें से कॉस्ट और स्टाफ एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हो तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ जाता है। एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, रिवेन्यू में से अगर आप कॉस्ट और स्टाफ एक्सपेंडिचर को माइनस कर दोगे तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक्चुअल प्रॉफिट। एक होता है आपका रिपोर्टेड प्रॉफिट। रिपोर्टेड प्रॉफिट मीन जो वो प्रॉफिट रिपोर्टेड टू टैक्स अथॉरिटी, जो प्रॉफिट आप टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हो, जो प्रॉफिट आप टैक्स अथॉरिटी को दिखाते हो, ठीक है, वो आपका रिपोर्टेड प्रॉफिट है जिसे मैंने पाई आर से रिप्रेजेंट किया। पाई आर क्या आपका रिपोर्टेड प्रॉफिट। रिपोर्टेड प्रॉफिट कैसे होता है, एक्चुअल प्रॉफिट में से आप एम को माइनस कर दो। यहाँ पे एम क्या है, मैनेजमेंट अमोल्यूमेंट, क्या है एम क्या है मैनेजमेंट अमोल्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये पाई ए क्या आपका एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट हमने अभी निकाला है आर माइनस सी माइनस एस, इसमें से अगर आप मैनेजमेंट अमोल्यूमेंट को माइनस कर दो तो आपका रिपोर्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। हम रिपोर्टेड प्रॉफिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट किसके बराबर था, आर माइनस सी माइनस एस माइनस एम, आप ऐसे भी लिख सकते। ठीक है, ये आपका रिपोर्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। और हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं जो मेन प्रॉफिट होता है, वो कहता है पाई जीरो। ये क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो मैंने अभी शुरू में जब इंट्रोडक्शन दी थी, जो एक ऐसा कंस्ट्रेंट का काम करता है मैनेजमेंट की यूटिलिटी में, एक प्रॉब्लम का काम करता है। मैनेजमेंट को अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, लेकिन उसे ये मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो कंपनी को देना ही पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैनेजमेंट की जॉब खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये वो क्रिटिकल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो मैनेजमेंट को ओनर्स को देना ही पड़ेगा। और क्या है, जो आपका रिपोर्टेड प्रॉफिट है वो क्या होगा, आपका जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट प्लस टैक्स, जो आपका रिपोर्टेड प्रॉफिट है वो आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, टी क्या है यहाँ पे टैक्स, और पाई जीरो आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, वो या तो उसके इक्वल होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है,
क्या होना चाहिए, जो आपका रिपोर्टेड प्रॉफिट है वो आपके मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट प्लस टैक्स के या तो बराबर होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। ओके, अब एक और प्रॉफिट कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जब मैंने शुरू में भी बताया था, यहाँ पे बताया था ये आईडी को, इसे हम डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, इसे हम डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसे हम डिस्क्रिशनरी फंड भी बोलते हैं। हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है, जो मैंने अभी शुरू में बताया था, ये वो अमाउंट होता है जो क्या होता है डिविडेंड देने के बाद या फिर टैक्स पे करने के बाद मैनेजमेंट के पास बच जाता है। ठीक है, डिविडेंड क्या, जो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड वो मिनिमम अमाउंट है, जो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो मैनेजमेंट को शेयर होल्डर को देना ही पड़ता है। डिविडेंड क्या है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो मैनेजमेंट को शेयर होल्डर को देना पड़ता है। शेयर होल्डर ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उनको अपने इन्वेस्टमेंट के बदले में जो हम रिटर्न देंगे, जो हम डिविडेंड देंगे, दैट इज इक्वल टू मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, और जो आपका डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट है वो किसके बराबर है, आप अपने रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है इसमें से माइनस कर दो मिनिमम प्रॉफिट एंड टैक्स। ठीक है, जो आपके पास बच जाएगा वो आपका डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट होगा। डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट क्या है, इसमें से अगर आप अपना जो रिपोर्टेड प्रॉफिट, ठीक है, रिपोर्टेड प्रॉफिट में से आप मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और जब टैक्स को माइनस कर दोगे तो जो अमाउंट आपके पास बचेगा वो आपका डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट है। ये पाई आर क्या, आपका रिपोर्टेड प्रॉफिट, इसमें से आपने माइनस कर दिया मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, माइनस कर दिया टैक्स, जो अमाउंट आपके पास बचा वो आपका डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये तो हो गया सारा यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस थ्योरी में यूटिलिटी और प्रॉफिट दो कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया, तो उन कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा डिटेल से रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा ना। आप अगर सब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा दिखाना भी पड़ेगा अपने एग्जाम में, तो आप ऐसे यूटिलिटी का फंक्शन दिखा देंगे, ठीक है, और इस तरह से अपने प्रॉफिट का फंक्शन दिखा देंगे। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कैसे मैनेजमेंट अब कंपनी को और शेयर होल्डर को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देते हुए यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज करता है। ओके, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम मैनेजमेंट यूटिलिटी फंक्शन का सिर्फ दो ही वेरिएबल ले रहे हैं, क्या, स्टाफ एक्सपेंडिचर और डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट। हम क्या ले रहे हैं, एस मीन स्टाफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस हम ले रहे हैं डीपी डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट, डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट। अब इसी को ही हम डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। ओके, अब कैसे मैनेजमेंट इन दोनों के में कॉम्बिनेशन बिठा के अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओ एक्स पे हम ले रहे हैं स्टाफ एक्सपेंडिचर, ओ वाई पे ले रहे हैं हम प्रॉफिट। ठीक है, इसे हम प्रॉफिट स्टाफ कर्व भी बोलते हैं, प्रॉफिट स्टाफ डायग्राम या प्रॉफिट स्टाफ कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट स्टाफ कर्व के थ्रू हम दिखा लेंगे कि मैनेजमेंट कैसे अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है, कंपनी को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी देता है। ओके, इसके साथ ये आपका एक प्रॉफिट कर्व है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज, मीन्स ई पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो कर्व है ये इनडिफरेंस कर्व के बारे में हमें पता है। इनडिफरेंस कर्व क्या बताता है, कस्टमर की यूटिलिटी को बताता है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है और बताता है। यहाँ पे जो हमने आईसी दिखाया है ये मैनेजमेंट की यूटिलिटी को दिखाता है, यहाँ पे जो हमने आईसी ड्रॉ किया ये क्या दिखाता है, मैनेजमेंट की यूटिलिटी को दिखाता है। ठीक है, यूटीसी हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, वो सेम जैसे हायर इनडिफरेंस कर्व हायर अमाउंट ऑफ यूटिलिटी को दिखाता है ना, सेम अगर ये यूटी कर्व हायर जाएगा तो मैनेजमेंट की यूटिलिटी क्या होगी, हायर होगी। अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो मैनेजमेंट की यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, अब देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये यूटी है, ये यूटी वन है, जो मैनेजमेंट की यूटिलिटी है वो इस यूटी पॉइंट पे नहीं है, यूटी पॉइंट पे कम है, लेकिन जो मैनेजमेंट की यूटिलिटी यूटी वन पे ज्यादा है। हमने इस थ्योरी की इंटो में ही पढ़ा था, मैनेजमेंट अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, वो अपने यूटिलिटी को हायर करना चाहता है।
जो मैनेजमेंट की यूटिलिटी है वो यूटी के कम्पेरेटिव यूटी वन पे मैक्सिमम है, यूटी वन पे ज्यादा है। ठीक है, क्यों यूटी वन पे मैनेजमेंट की यूटिलिटी ज्यादा है, इसी ई वन पॉइंट पे मैनेजमेंट की यूटिलिटी क्यों मैक्सिमाइज है, क्योंकि ई पॉइंट में जो आपका ये प्रॉफिट पॉइंट है और जो आपकी यूटिलिटी है वो दोनों टेंजेंट है, दोनों मिल जाते हैं। जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं वो पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ मैनेजर। ठीक है, अब देखो भले ही इस ई पॉइंट पे प्रॉफिट मैक्सिमम है, भले ही इस ई पॉइंट पे प्रॉफिट मैक्सिमम है, लेकिन ये मैनेजर की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज नहीं कर रहा। ठीक है, ई पॉइंट पे प्रॉफिट तो मैक्सिमम है लेकिन ये मैनेजर की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज नहीं कर रहा। मैंने पहले भी बताया था मैनेजमेंट का मोटिव अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होता है रादर देन गिविंग मैक्सिमाइज प्रॉफिट टू ओनर। तो ई पॉइंट पे भले ही प्रॉफिट मैक्सिमम है लेकिन ये पॉइंट मैनेजर की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज नहीं करता, मैनेजमेंट की यूटिलिटी को ई वन पॉइंट मैक्सिमाइज करता है। ई वन पॉइंट पे मैनेजमेंट की यूटिलिटी कैसे मैक्सिमाइज होगी, क्योंकि ई वन पॉइंट पे स्टाफ एक्सपेंडिचर बढ़ गया, स्टाफ की ट्रेनिंग पे खर्चा बढ़ गया, स्टाफ की सैलरी पे खर्चा बढ़ गया। मीन जो मैनेजमेंट के अंडर काम कर रहा है ना उसकी सैलरी, उन लोगों की सैलरी बढ़ा दी। ठीक है, उन लोगों के बेनिफिट बढ़ा दिए तो मैनेजमेंट की यूटिलिटी बढ़ गई, क्योंकि मैनेजमेंट का मोटिव क्या होता है, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना रादर देन गिविंग प्रॉफिट टू ओनर। ठीक है, तो ई वन पॉइंट पे जहाँ पे प्रॉफिट, ई वन पॉइंट पे मैनेजमेंट अपनी यूटिलिटी को भी मैक्सिमाइज कर रहा है, प्लस एट द सेम टाइम मैनेजमेंट क्या कर रहा है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर को भी दे रहा है ई वन पॉइंट पे। इसलिए ये मैनेजमेंट की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है क्योंकि ई वन पॉइंट पे मैनेजमेंट अपनी यूटिलिटी को भी मैक्सिमाइज कर रहा है, प्लस वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी शेयर होल्डर को दे रहा है। तो यही क्या इस थ्योरी का मेन बेस है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।